जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो पूछेगा मुख्तलिफ ऑप्शन, तो आपने ब्लैंक ब्लैंक पे क्लिक करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी। पहली जो आपके पास स्लाइड है ये हमेशा जो है आपके पास टाइटल स्लाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा जो असाइनमेंट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो मैं वो यहाँ टाइप कर लूंगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, और बाय मैंने अपना नाम लिख दिया मैंने बनाई है, प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। अच्छा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे, अगर आप नोट करें तो आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, एक ऑप्शन जो है वो आपका ये देखिए न्यू स्लाइड है, ऊपर जो होते हैं हमारे पास ये टैब्स होते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे टैब्स के अंदर गिवन होते हैं कॉलम्स के अंदर उसमें एक ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके भी आप न्यू स्लाइड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास मल्टीपल न्यू स्लाइड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 न्यू स्लाइड्स रिक्वायर्ड हैं तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, 7 to 8 न्यू स्लाइड्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है स्लाइड्स को ऐड करने का, कि मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ और न्यू स्लाइड क्रिएट कर दूँ। और फोर्थ वे क्या, थर्ड वे क्या है हमारे पास, कि मैं कंट्रोल एम फॉर मंकी, ठीक है, कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तब भी मेरे पास न्यू स्लाइड्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमने जो चीज़ें देखनी है, अगर ये देखिए ये जो सिंपल जो स्लाइड्स आई हैं हमारे पास, पहली जो है टाइटल और उसके बाद जो है टाइटल प्लस कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट वाली, बाय डिफॉल्ट टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड आ रही है आपके पास। लेकिन अगर आपको टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड नहीं रिक्वायर्ड है, अगर आपको टाइटल एंड कंटेंट के अलावा कोई और स्लाइड रिक्वायर्ड है, देन यू कैन चूज फ्रॉम हियर बाय क्लिकिंग ओवर हियर एंड देन यू कैन चूज फ्रॉम हियर। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट कंपैरिजन स्लाइड जिसमें हम डिफरेंस शो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैम एंड रोम का डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस है, टू कॉन्टेंट है, खाली टाइटल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में खाली टाइटल चाहिए था थैंक्स कम्प्लीट हो गई जहाँ प्रेजेंटेशन, तो वहाँ या ब्लैंक चाहिए अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करने हैं, तो फिर आप यहाँ से मल्टीपल टाइप्स की स्लाइड चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड आती है और उसके अलावा आप कंट्रोल एम करते चले जाएंगे, न्यू स्लाइड करते चले जाएंगे तो टाइटल प्लस कंटेंट वाली जिसके अंदर एक टाइटल लिखा होता है बुलेट्स आ रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे जो पहला टाइटल है वो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पहला कंटेंट है वो क्या है, मेरा जो पहला कंटेंट है वो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग वन लिख देता हूँ, पहली हेडिंग है हेडिंग वन, इसमें बुलेट्स ऐड कर देता हूँ, तो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट वन, एक इंटर का गैप दिया, दूसरे इंटर पे लिखा पॉइंट टू, एक इंटर का गैप दिया, दूसरे इंटर पे लिखा पॉइंट नंबर थ्री, इंटर का गैप दिया, दूसरे इंटर पे लिखा पॉइंट नंबर फोर। कोशिश ये किया करें, इफ यू वांट टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन एन अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, एड लेस अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट इन योर प्रेजेंटेशन, पूरे पूरे पैराग्राफ लिख देंगे तो ऑडियंस के सामने जब बहुत बड़ा पैराग्राफ बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ होता है एक स्लाइड के अंदर तो वो फिर देखना ही छोड़ देते हैं स्लाइड की तरफ। तो कोशिश ये किया करें मोस्टली जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि बुलेट्स की फॉर्म में स्लाइड्स बनाएं और बुलेट्स की फॉर्म में स्लाइड्स बनाने के बाद उन बुलेट्स के बारे में खुद बताएं। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिनकी एक्टिव मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एक वो जिनकी पैसिव मेमोरी अच्छी होती है, एक्टिव अच्छी नहीं होती। जिनकी एक्टिव अच्छी होती है वो तो बुलेट्स के बारे में खुद मेमोराइज करके आते हैं और उसके बारे में बता देते हैं ऑडियंस की तरफ इंटरेक्शन करके, आई कॉन्टेक्ट और फेस कॉन्टेक्ट करके। अब वो बच्चे जिनकी पैसिव मेमोरी अच्छी है, एक्टिव नहीं अच्छी, अब वो उनको मेमोराइज नहीं होती चीज़ें तो इस बुलेट के बारे में क्या बताना था, बाजू का वो मिस करते हैं। तो उसका पहले बच्चे क्या करते थे, कार्ड्स पे लिख लेते थे कि इस बुलेट पे मैंने ये बताना है, फिर ये कार्ड स्वैप कर दूंगा, दूसरे बुलेट पे मैंने ये कहना है। यहाँ कंटेंट रखें बुलेट्स के फॉर्म में, एक्सप्लेन खुद करें, ऑडियंस की तरफ इंटरेक्शन रखें, ठीक है। दूसरी चीज जो है
अब कार्ड का दौर है नहीं, आपके पास सेलफोन का दौर है। तो बुलेट्स के बारे में जो ये डिस्क्रिप्शन है उसकी, या लिख के उसके स्नैपशॉट रख लें कंटिन्यूटी में कि भाई इसके बाद मैं ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा या करूंगी, और इन दिस वे यू कैन डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। ताकि अगर आप बोलते बोलते कहीं मिस कर गए कोई कंटेंट, तो आप नीचे देखें अपने सेलफोन के अंदर और वो कंटेंट आपके सामने हो और आप बताएं कि अच्छा ये बात भी थी इसमें, ये भी, ताकि इंट्रैक्शन आपका स्लाइड की तरफ मुड़ के ना हो कि उधर बैक साइड पे आप स्क्रीन की तरफ देख के रीड कर रहे हैं, आपका इंट्रैक्शन आपकी ऑडियंस की तरफ हो, आपका आई कॉन्टेक्ट आपकी ऑडियंस की तरफ हो। क्लियर है? दिस इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो चलो मेरी एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आप लोगों को गाइडेंस थी, जो मैंने बता दी कि अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने की क्या है, बाकी मैं यहाँ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग वन, अब हेडिंग टू में फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग टू मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखें, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये पिक्चर्स का, अगर मुझे कोई पिक्चर ऐड करानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जिस जगह पे जिस फोल्डर में मेरे पास पिक है वहां जाके वो पिक को सिलेक्ट करके इंसर्ट करा दूंगा, तो मेरे पास पिक यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं अपने मर्जी से जो है वो इनलार्ज कर सकता हूँ एज पर द नीड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेडिंग नंबर, हेडिंग नंबर थ्री है। अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल क्रिएट कराना है, तो ये रहा हमारे पास टेबल, इंसर्ट टेबल, कह रहा कितने बाई कितने का, मैंने कहा चलो 4x4 का टेबल बना दो, यानी कि 4 कॉलम और 4 रोज। आपके पास टेबल आ गया, आप कोई भी कंटेंट डाल दें, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन 4 रीजन में मेरे पास जो एनिमल्स की सेल है वो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ कि आप स्लाइड में रहते हुए किस तरह से मुख्तलिफ कॉन्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेंटर अलाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सबको सेलेक्ट करें, ठीक है। ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लेआउट का, सेंटर अलाइन तो होम से यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन जो है फिर वो वहां से नहीं होगा, तो लेआउट में दोनों हो जाएंगे, लेआउट में आ जाएं, ये सेंटर अलाइन और ये वर्टिकल सेंटर अलाइन, ठीक है। ये आपने सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। हेडिंग नंबर 4 पे आ गए, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चार्ट जिसको हम जो है ग्राफ कहते हैं वो ऐड कराना है, यहाँ क्लिक कर दिया ग्राफ पे, आपने कहा मुझे कोई 3D ग्राफ ऐड कराना था, ये रहा 3D ग्राफ, इसको ओके कर दिया। जब 3D ग्राफ ऐड कराएंगे तो साथ एक्सेल की छोटी सी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो एक्सेल की फाइल आपको बताएगी कि आपने डेटा किस तरह का रखना है, क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इन कैटेगरीज को चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने कहा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में जो एनिमल्स में सेल कर रहा था उनकी क्वांटिटी, एलिफेंट वाला और पेंगुइन, ठीक है। अब पॉइंट्स में नहीं होते एनिमल्स, तो वैल्यू सही कर लें आप, फॉर एग्जाम्पल 5 7 3 8 4 2 6 3 4 और 9 8 7 8 9, ठीक है। ये वैल्यूज, तो हमने जब वैल्यूज इंसर्ट की तो देखे हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट की तो ये हमारे पास जो है देखे नीचे लिखा हुआ है, ब्लू का मतलब है एलिफेंट्स की सेल, ऑरेंज का मतलब है क्वाला और पेंगुइन्स, ठीक है। 4 रीजन में 3 एलिमेंट्स की सेल्स की क्वांटिटी आपके पास आ गई, ठीक है। चार्ट का टाइटल आपने एडिट कर दिया, ये
या रीजन वाइज एनिमल सेल्स कर दे। ठीक है, आपने इसके बाद फॉर एग्जांपल हेडिंग नंबर हमारे पास आ रही है 5, यहाँ पे आपने जो है फॉर एग्जांपल स्मार्ट आर्ट ऐड कराना है। स्मार्ट आर्ट यहाँ क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट में देखें ऑल, यहाँ बहुत सारी आर्ट्स होते हैं, लिस्ट, प्रोसेसर्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसर्स के डायग्राम है, साइकिल्स जो आपके पास लाइफ साइकिल्स होते हैं, ठीक है, हिरार्की, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरल हिरार्की। फिलहाल मैं एक साइकिल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरी साइकिल किसकी है, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। क्या होता था हमारे पास, लार्वा, प्यूपा, अब जो भी है वो आप कर लीजिएगा, अगर फर्दर कुछ होता है मैं एक रैंडम दे रहा हूँ, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट और बटरफ्लाई, कैटरपिलर कर देना बाद में जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीच में इनको याद आया था, कैटरपिलर भी होता है, लार्वा के बाद प्यूपा फिर कैटरपिलर। तो यहाँ राइट क्लिक करके आपको एक शेप और ऐड करानी है, यहाँ क्लिक करें, पहले क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और ऐड शेप में जाके ऐड शेप आफ्टर कर दें। तो ये देखें एक शेप नहीं आ गई, यहाँ पे आपने कर दिया कैटरपिलर, ठीक है। तो आप इन शेप्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, आपके ये कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल आपको लास्ट में जो है वो बिल्कुल कोई चीज रहेगी, चलें यहाँ पे हम एक हेडिंग और लिख देते हैं, हेडिंग नंबर 6, और यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट्स वाली स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे हमें सिर्फ थैंक्स करना था ऑडियंस को, यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आया सेंटर में, और यहाँ हमने अपनी ऑडियंस से थैंक्स कर दिया। अगर किसी स्लाइड, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में किसी ने हमसे पूछ लिया कि एनिमल बिहेवियर के बारे में आपने कोई सर्वे किया है, अब कंटिन्यूटी में आपने यहाँ से स्विच करके कोई वीडियो सर्वे रखी हुई थी वो दिखानी थी, तो इस स्लाइड से लास्ट स्लाइड की तरफ आएंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो हम थैंक्स करके खत्म कर देंगे, वरना एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा कहाँ डालते हैं, लास्ट स्लाइड। मैंने कहा चलो अगर किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन तो मैं इसमें एक सर्वे वीडियो डाल देता हूँ जो इस एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड इस पिक को एक्सप्लेन कर रहा है, सर्वे वीडियो। ये आपके पास ऑप्शन है वीडियो ऐड करने का, इंसर्ट वीडियो, इस पर क्लिक किया और मेरे पास वीडियोस के अंदर एक वीडियो मैंने अभी डाउनलोड की है, इसको ऐड करा दिया, क्लियर है। अब जब मैं ये वीडियो प्ले करूंगा तो ये मुझे वीडियो पे स्विच कहाँ से करना होगा, अपनी स्लाइड शो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो हेडिंग इस स्लाइड नंबर 3 से उस स्लाइड की तरफ मुझे जाना होगा ताकि मेरी वीडियो प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्शन बटन डिफाइन करूंगा। एक्शन बटन कहाँ मिलते हैं मुझे, इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर शेप्स नजर आ रही हैं, शेप्स में लास्ट में आप देखेंगे तो एक्शन बटन है, तो सेकेंड वाला एक्शन बटन है गो फॉरवर्ड और नेक्स्ट वाला। पहले इसको सेलेक्ट करके यहाँ आके छोटा सा एक्शन बटन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अब इस एक्शन बटन पे क्लिक करने से हाइपरलिंक को किस स्लाइड की तरफ पहुंचना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड, मैंने कहा नहीं, तो मैं पहले अपनी सारी स्लाइड्स अपने सामने रख लेता हूं ताकि वो स्लाइड्स इजीली चूज कर सकूं। उसके लिए मुझे यहां पे ऑप्शन में स्लाइड पे जाना पड़ेगा, यूआरएल के ऊपर स्लाइड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा सारी स्लाइड्स आ जाएंगी मेरे पास। ये देखें ये रही सर्वे वीडियो, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके उस स्लाइड को यहाँ प्रीव्यू में देख भी सकता हूँ कि यही वो वीडियो थी, यही वो स्लाइड थी या कोई और स्लाइड है, तो क्रॉस चेक भी हो रहा है कि यही वो वीडियो इसी में अवेलेबल है, यही वो स्लाइड है। ओके कर दिया। अब क्लिक करने से इस बटन पे मैं इस स्लाइड पे पहुंचूंगा, जब इस स्लाइड पे पहुंचूंगा तो वापस मुझे कंटिन्यू के लिए बैक इसी स्लाइड पे आना पड़ेगा। तो इस नीचे वाली स्लाइड पे जब ये वीडियो सर्वे दिखा दूंगा तो यहाँ से मुझे बैक का एक्शन बटन देना पड़ेगा ताकि मैं बैक टू
हो जाऊं अपने उसी स्लाइड से और मैं अपनी प्रेजेंटेशन वापस रिमेनिंग पोर्शन को कंटिन्यू करूं। तो इंसर्ट में जाके स्मार्ट शेप्स में जाके पहला वाला एक्शन बटन जो है वो बैक का एक्शन बटन है, गो बैक प्रीवियस का, इसको सिलेक्ट करके यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, और इसको हाइपरलिंक टू के स्लाइड्स, प्रीवियस स्लाइड, तो प्रीवियस स्लाइड नहीं, मैंने कहा स्लाइड ओपन कर लो और यहाँ से क्लिक करके देखता हूँ हेडिंग टू, हाँ यही वाली है स्लाइड नंबर थ्री, इसके साथ लिंक कर दिया। ओके ओके ठीक है, अब ये तो कंटेंट मैंने ऐड कर दिया था, अब रिमेनिंग पोर्शन में मैं अपनी डिजाइन और ट्रांजिशन और एनिमेशन ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी स्लाइड के अंदर। सबसे पहले जो है वो डिजाइन देख लेते हैं, यहाँ डिजाइन पे क्लिक किया, यहाँ बहुत सारे बाय डिफॉल्ट डिजाइन अवेलेबल होते हैं, आप इनमें से कोई भी डिजाइन को चूज कर सकते हैं, मैंने कोई एक चूज कर लिया। अच्छा, डिजाइन चूज करने के बाद उनके मल्टीपल कलर्स, आपको येलो नहीं पसंद कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी कस्टमाइज स्लाइड कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से आपके पास कलर की पूरे पूरे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये देखें इफेक्ट्स, फर्दर इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स के इफेक्ट्स को चेंज, मजीद इफेक्ट्स को चेंज, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास है, बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई बैकग्राउंड बना के वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको इंटरनेट से कोई बैकग्राउंड नजर मिल गया, स्नैप में अच्छा लग रहा था, आपने वो बैकग्राउंड में कॉपी पेस्ट कर दिया सब जगह पे, ये सारी चीजें आप यहाँ डिजाइन में कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में आपके पास ट्रांजिशन लगती है स्लाइड के ऊपर ताकि स्लाइड को एनिमेटेड कर दिया जाए, एनिमेशन लगती है आपके स्लाइड, हर इंडिविजुअल स्लाइड के अंदर जो कंटेंट होता है उस पर एनिमेशन लगती है। तो पहले मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशन हर इंडिविजुअल स्लाइड पे आगे कुछ ट्रांजिशन अप्लाई कर दूंगा एट्रैक्टिव बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पहली दूसरी स्लाइड पे लगा दिया कुछ, फॉर एग्जाम्पल दूसरी स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ये सारी ट्रांजिशन लगा रहा हूँ पहले डिफरेंट स्लाइड्स पे, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, सेवेंथ स्लाइड, सिक्स स्लाइड पे कुछ और लगा, कर्टेंस टाइम, कर्टेंस कर्टेंस कर्टेंस, सिक्स स्लाइड या सेवेंथ स्लाइड, सेवेंथ स्लाइड पे हमारे पास, सेवेंथ स्लाइड, सेवेंथ स्लाइड पे हमारे पास कोई और लगाते हैं, एट स्लाइड, ठीक है, और सेकंड स्लाइड पे कुछ डिफरेंट लगा, कर्टेंस कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने ये स्लाइड्स लगा दी, स्लाइड्स पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दी, अब एनिमेशंस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पहली स्लाइड पे फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बॉक्स है, इस पे कोई एनिमेशन लगा दी, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन लगा दिया, और दूसरे वाला जो नीचे नेम था उस पर मैंने लगा दिया कोई बाउंस, बाउंस वाला। ठीक है, इस तरह से आप मुख्तलिफ एनिमेशन हैं ऐड करते चले जाएं। ठीक है, जो आपको पसंद है अपनी, पसंद के हिसाब से इंडिविजुअल बॉक्सेस को सिलेक्ट करते चले जाएं, और
ठीक है। अब ये हमारे पास जो है हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया, अब हम जो है इसको इन चीजों को प्रैक्टिस करके देखते हैं। स्लाइड शो, स्लाइड शो के लिए एक बटन होता है F5, दूसरा यहाँ पे स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। अगर आप कहीं करंट स्लाइड पे हो, तीसरी चौथी स्लाइड पे, और उसके उस टाइम आपको कोई स्लाइड शो करना हो, देन यू हैव टू क्लिक फ्रॉम करंट स्लाइड। जिस भी करंट स्लाइड से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उसके लिए करंट स्लाइड करना होता है। हम अभी बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे या F5 का बटन दबा देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारा स्लाइड शो है, ठीक है। हम क्लिक करते चले जाएंगे, हमारे पास ट्रांजिशन और एनिमेशन हमारे काम करते चले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड जो है, इस स्लाइड में अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो कहीं पे भी स्लाइड पे क्लिक करेंगे इस पूरे एरिया में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने हमसे किसी ने पूछ लिया कि इसके रिलेटेड सर्वे वीडियो कहाँ है, तो देन वी आर नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन द स्लाइड, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एक्शन बटन। जब एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम उस स्लाइड पे एक्सेस कर जाएंगे जहाँ पे हमारे पास एक्शन बटन वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, ये वीडियो डिस्प्ले की ऑडियंस को, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो कम्प्लीट हो गई, हमने उसको शो कर दी, ठीक है। वीडियो शो करने के बाद जब हमने ऑडियंस को सेटिस्फाई कर लिया कि भाई हमने प्रॉपर काम किया है, अपने रिसर्च एक्टिविटी की है, हम वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्शन बटन पे, वापस बैक आ जाएंगे उसी स्लाइड पे, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सकें। फिर इससे आपको बार बार जो है वो स्विच नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना स्लाइड शो खत्म नहीं करना पड़ेगा, आप कंटिन्यूटी में अपना स्लाइड शो स्मूथली जो है आपकी स्मूथ प्रेजेंटेशन चलेगी टिल द एंड, ठीक है। और थैंक्स करके आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को राइट क्लिक करके एंड शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका ये जो आपका कंटेंट है।